सभी हमारे वरिष्ठ कर्मचारीगण, हमारे भाई और गणमान्य व्यक्तियों को मैं देश के स्वतंत्रता की 73वीं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। और आज दो त्योहारों का संगम है, एक राष्ट्रीय पर्व जो रक्षा के लिए मनाया जाता है, जिसमें हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए लोगों ने बलिदान दिया, और दूसरा आज है रक्षाबंधन। कहने को तो जितने भी लोगों ने अपना व्यक्तित्व अपने विचार रखे हैं, कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन एक थोड़ी सी कसर थी जिस पर मैं अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार जी का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सामान्य अध्यक्ष प्रतिनिधि जनाब इमरान खान साहब का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। बात कहने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये मैंने इसलिए कहा कि 15 अगस्त के 26 जनवरी के एक मंच पर खड़े होकर इन 5 सालों में अक्सर अपने विषय से भटके, और जब कुरान के अंत अधिशासी अधिकारी महोदय के रूप में जब हमको सुनाया जाता है कि देश का बलिदान क्या है, देश का संविधान क्या है, तो हम लोग कानों में उंगली बिना दर्शाने वाले गाल के एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने कसर की बात की थी, कसर तो ये थी, कल परसों दो चार दिन पहले भी जैसे कि मुझे और प्रदीप कुमार गुप्ता जी को बनाया गया, मैंने दो महीने पहले अपने अधिकारी महोदय को कहा था कि 26 जनवरी के बाद जो हालात जगह के बने हैं वो डिमोशन वाले, प्रमोशन वाले नहीं। जो सामने उसको पूरी कोशिश की, और मैं जानता हूं उस कोशिश उस प्लानिंग उसको परिपक्व कौन लगा रहा। मैं बोल सकता हूं, मैं इंसान से बोल सकता हूं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद मिश्रा के व्यक्तित्व ने उस आग पर उनके उनके विचारों की बर्फ पर बोल दिया। बोल सकता हूं मैं आग हूं, आप नजर हूं, मैं उस चीज की उस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं 43,000 आवाम पर नजर रखता हूं कौन क्या कह रहा है, लेकिन मरता हूं इस बात पर कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा भाई है, इस पर देश को आजादी नहीं मिली थी। देश आजादी के लिए माओं ने अपने नारों को मैदान में भेजा था, ना कोई किसी का भाई था, ना कोई किसी का ताऊ था, ना कोई किसी का चाचा था, ना कोई किसी का मामा था, बस और बस सिर्फ एक भारत था। अगर मैं इस मंच से अगर भी बोलना शुरू करूं तो आग लग जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। जैसे कि डॉक्टर साहब ने विचार में कहा कि अगर कोई बुरा आदमी है उसकी कोई अच्छाई है, उस अच्छाई को तय करके हौसला अफजाई कर दो, लेकिन अब बोल रहा कि उस हौसला अफजाई को वो अपनी बेशर्मी समझता है। गौर करिएगा बात पर, वो अपनी हौसला अफजाई को अपनी बेशर्मी समझता है, और ऐसे दिखाता है यार जैसे किसी का मेरी पिक्चर करती हो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर बार इस मंच से हर विचारक ने हर अपने व्यक्तव्य में हर विचार में कहा है कि पहले अपना घर, अगर हमारा घर साफ है तभी हम दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। और हमारा घर ये हमारा शहर है, और शहर को साफ रखने के लिए या उसको प्रतिष्ठित मजबूत करने के लिए किसी डिपार्टमेंट की, किसी विभाग की, किसी कर्मचारी का दायित्व नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं समझता हूं 50,000 लोगों में 25,000 लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते करते हैं, लेकिन वो 25,000 को नेगेटिविटी फैलाए उनमें भी आधे लोग ऐसे हैं कि आप साफ तो करो, मैं कूड़ा लिए खड़ा हूं। वो कूड़ा गंदगी के रूप में नहीं है, विचारों के रूप में, गालियों के रूप में,
चारों ग्रुप बार बार आप मेरी बात का विरोध करते रहिए, मैं बार बार अपना पैगाम देता रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि 47 के बाद और 47 से पहले कुछ क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने शहीद किया, सरयाम गोली मारी, कुछ क्रांतिकारियों को फांसी लगाई, तो वो शब्द हमें आज भी याद है कि देखना है घोर कितना बाद में काफिल में है। लगा दो मैं अपने पर चलता रहूंगा, यही मुझसे कहा था इसी उसमें मैंने मांगा नहीं था। मेरी गली आकर के देखो, मेरी गली में जो नाम दिया है सफाई भी जो हमारे काम कर रहे हैं उनसे पूछो। बार बार ये बात आती थी बड़ा मोहल्ले में जाके देखिए वो कितना अच्छा बोल रहा है। आज मेरी गली आके देखिए, अगर मुझे कोई दायित्व सौंपा गया मैंने अपना घर साफ किया। अब तो किस बात कर रहा कि पूरा डिपार्टमेंट नगर पालिका यहां से लेकर जिला प्रशासन तक हमारे नगर जिला को डंपिंग स्टेशन न दे सका, एक जगह न दे सका। बजट को लात मार के फेंक दिया कि हम जिला को नहीं देंगे। हमारे अधिशासी अधिकारी, मैं समझता हूं मैं इस बार को दे रहा हूं, प्रस्ताव जा रहा है नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा तो नहीं कि हमारे अध्यक्ष महोदय किसी राजनीतिक पार्टी जी से कहा जाता है सत्ता पत्र बैठ के बैठा है आदमी के वो इस परिवार से तो कहीं वो दूसरी पार्टी की हो आशा किसी और का है। यहाँ तो विभिन्न शासन के लोग रहते हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग रहते हैं। यहाँ कांग्रेस के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी है, भारतीय जनता पार्टी के तो समाजवादी पार्टी के भी है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के लोग लाइक करने वाले हैं। ये तो अपना अपना पक्ष है यार, लेकिन डिपार्टमेंट तो एक नगर एक है। अगर वो पैसा आग लगेगा तो यहाँ या वो कहो बढ़ेगा, ऐसा ठोस और मजबूत प्रस्ताव अभी तक ना गया है ना कोई कह पाया है। उसका कारण किसे देखो इस डर कई बार बात हुई थी मेरे साहब से, 20 बार मनोहर किए गए भी हैं लेकिन नहीं मिल पा। तो अब ये उसका मतलब नहीं है कि नगर पालिका लगाएगा ठोस करेंगे। एक छोटा सा काम है कि हम पुड़िया खा रहे और यूज ढूंढ रहे। अभी किसी ने चूल्हे तो बताया है, रात ही बताया होगा और बड़ा बेहतरीन डिजाइन बनाया होगा उसके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अगर ये नगर हमारा है, इसकी धरोहर हमारी है, हम कपड़े साफ पहनते हैं और धूपते हैं अपनी उन चीजों पर जिससे हमारा वजूद बनता है, जिससे हमारा नाम बनता है। बेहतर ये अगर कहीं पर कोई दिक्कत नजर आ रही है पहले कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बात कल भी हुई थी कि सफाई करनी क्यों रखे हुए हैं, क्या दिन भर वही काम करता रहेगा? हमारा अपना कोई दर्द नहीं बनता, कपड़े खराब होते तो वेतन भी तो नहीं आता है, हम भी धोते उसको। बात बहुत लंबी थी, बस एक मैसेज देना ही चाह रहे थे, पैगाम देना चाह रहे थे कि हम सबको मिलकर अपने नगर को साफ करना होगा। हम सबको मिलकर नगर के शोधीकरण के लिए एकजुट होकर नगर पालिका का साथ देना होगा, डिपार्टमेंट का साथ देना होगा और जो कमियां छोटी बड़ी रह जाती है उनको बैठ करके डिस्कस करो, सुझाव देना ही हमारा काम है। और इसी के साथ रक्षाबंधन और देश आजादी के तरफ से एक बार फिर आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।